तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं लाल बाग, और लाल बाग का आज आपको व्यू कराने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी लाजवाब होने वाला है। तो ये है 216th इंडिपेंडेंस डे का फ्लावर शो जो आज आपको एक्सप्लोर करेंगे और बताएंगे इसके बारे में कि अंदर में क्या क्या है। तो चलिए आगे आपको वीडियो से व्यू कराते हैं। और ये सामने देख सकते हैं मेन रोड है, मेन रोड से सटे मेन एंट्री है लाल बाग का। तो ये देख सकते हैं लाल बाग का मेन गेट को काफी खूबसूरती से सजाया गया है, और अभी हम लोग चलेंगे अंदर और अंदर चल के दिखाएंगे कि अंदर में क्या क्या है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर का भी कुछ आपको व्यू कराते हैं चलते चलते में कि अंदर का व्यू कैसा लगता है। तो ये देख सकते हैं कुछ अंदर का व्यू इस तरह का है, और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं लाल बाग गार्डन के नाम से बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। ये सामने देख सकते हैं मेन एंट्रेंस है, और मेन एंट्रेंस से जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे टिकट काउंटर का कुछ सेट बनाया हुआ है जो काफी सारा काउंटर है कि क्राउड ज्यादा नहीं हो सके, बट आज थोड़ा सा कम क्राउड है। तो चलिए अभी हम लोग टिकट लेंगे और टिकट का प्राइस भी बताएंगे आपको कि टिकट का प्राइस क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे मेंशन है 80 रुपीज एडल्ट का है, और अदर डे आ रहे हैं जैसे सैटरडे संडे और होलीडे के दिन तो 100 रुपीज एडल्ट का है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग टिकट ले चुके हैं और टिकट लेके हम लोग इन कर चुके हैं अंदर। अभी हम लोग चलेंगे फ्लावर शो देखने के लिए, और फ्लावर शो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है तो दिल थाम के रखिए। तो जैसे ही इन करेंगे, इन करने के बाद सामने देख सकते हैं बड़ा सा पहाड़ी है जहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय करते रहते हैं, और एक छोटा सा टेम्पल भी है। और जैसे ही राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बंसोई पार्क है जो कि अभी नॉट अलाउड है, अभी क्लोज है ये, जब तक फ्लावर शो चलते रहेगा ये क्लोज रहता है। और आगे चलिए अभी है ग्लास हाउस का आपको फ्लावर शो दिखाने वाले हैं जो कि काफी जबरदस्त होने वाला है। चलिए तो फाइनली दोस्तों हम लोग ग्लास हाउस के पास पहुंच चुके हैं, यहीं पे फ्लावर शो लगा हुआ है। और ये सामने देख रहे हैं एग्जिट है, एंट्री नहीं है, एंट्री इसके फ्रंट साइड से है। ग्लास हाउस के दोनों साइड में काफी अच्छे से फ्लावर से सजाया गया है। तो चलिए आपको इसका व्यू कराते हैं, वीडियो पे बने रहिए और आनंद लेते रहिए। फाइनली दोस्तों हम लोग ग्लास हाउस के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं, अभी आपको अंदर ले चल के दिखाते हैं कि अंदर में फ्लावर से क्या क्या बनाया गया है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे एक हमारे मित्र मिले हैं जो कि हमारे न्यू सब्सक्राइबर बन रहे हैं अभी, तो इनसे जानेंगे कि लाल बाग का फ्लावर शो कैसा है। नहीं, मैं ऑलरेडी सब्सक्राइबर हूँ, तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैं ऑलरेडी इनका सब्सक्राइबर हूँ, फॉलो करता हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, बहुत मस्त है इनका व्लॉग्स, आप लोग भी फॉलो कीजिए। अभी ये लाल बाग आए हुए हैं, यहाँ पे फ्लावर शो चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे के हर साल होता है, रिपब्लिक डे में भी होता है, बहुत ही बढ़िया फ्लावर शो, एक बार आ सकते हैं आप, देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल शोकेस करते हैं फ्लावर्स का। बाद में इनका जो हॉर्टिकल्चर का जो सीट है वो सब मस्त है। उसके अलावा यहाँ पे वाटर शो भी है, टनल का क्या बोलते हैं वो, फिश का एक टनल जैसे बनाया हुआ है वो है, उसके बाद पेट शो भी है, और यहाँ पे आजू बाजू में कम से कम 200 दुकानें खुली है जहाँ से आप वैरायटी वैरायटी खरीद सकते हैं, बहुत ही मस्त है। और आप मेरे साथ देखिए बच्ची भी है, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी सुन लीजिए। बहुत अच्छा है सब कुछ। और बोलो क्या लगा? फॉलो करो एंटरटेनर। और थैंक यू सो मच। या ऑलवेज एनी टाइम, आइए आप लोग भी आइए और मुझे उठाइए जरूर।